बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको उर्दू अदब के बारे में बताया, असनाफ़े नसर असनाफ़े अदब के बारे में बताया कि उर्दू अदब जो है वो उर्दू अदब नसर और शायरी पर मबनी होता है, और असनाफ़े अदब मुख्तलिफ असनाफ़े अदब क्या है, उसमें जो है वो नसरी असनाफ़े अदब है, शेरी असनाफ़े अदब है। नसरी असनाफ़े अदब और शेरी असनाफ़े अदब की मज़ीद ज़ेली इकसाम कौन कौन सी हैं, असनाफ़े नसर की भी जो है वो ज़ेली इकसाम है, अफसानवी नसर और गैर अफसानवी नसर। और इसके बाद हम जो है वो आज लेक्चर नंबर 3 में हम असनाफ़े नज़्म बलिहाज़े मौज़ू और असनाफ़े नज़्म बलिहाज़े हैयत को समझेंगे, जो कि बहुत अहम है आपके लिए। आपकी किताब में जो हिस्सा नज़्म है या हिस्सा नज़्म या हिस्सा शायरी, वो सबसे पहले तो गज़लियात पर मुश्तमिल है। गज़लियात गज़ल की जमा है, गज़लें हैं मुख्तलिफ। उसके बाद जो है वो आपका जो है हिस्सा नज़्म है, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो नज़में हैं। तो असनाफ़े नज़्म बलिहाज़े मौज़ू यानी टॉपिक के लिहाज से, मौज़ू के लिहाज से कौन कौन सी नज़में होती हैं, उसमें सबसे पहले है हम्द। हम्द अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं तारीफ़, और उर्दू अदब में हम्द से मुराद ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। उसके बाद है नात। नात के मायने भी तारीफ़ के हैं, और उर्दू असनाफ़े अदब में नात से मुराद ऐसी नज़्म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, वो नात कहलाती है। उसके बाद है मनकबत। मनकबत में हमारे सहाबाए किराम, हमारे बुज़ुर्गान दीन, उनकी तारीफ़ को मनकबत कहा जाता है, तारीफ़ बयान करने को, जिसमें शायर जो है वो हमारे जो है वो सहाबाए किराम की तारीफ़ बयान करें, उनकी खुसूसियात बयान करें, तो वो जो है वो मनकबत कहलाती है। और इसके बाद है कसीदा। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा लफ्ज़ कस्त से बना है। कस्त के माने होते हैं इरादा करना। कसीदे में शायर चूँकि इरादा करके किसी की तारीफ़ करता है, किसी की मदह करता है, किसी की मदहत बयान करता है, तो इसलिए इसको जो है वो कसीदा कहा जाता है। नज़्म की इस किस्म को कसीदा कहा जाता है। उसके बाद है मरसिया। मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि रसा से बना है। रसा के मायने होते हैं सोग मनाना, मातम करना। तो मरसिया में शायर मरने वाले के मुहासिन, मरने वाले की खूबियाँ बयान करता है, और इसमें जो है वो ख़ास तौर पर वाकया करबला बयान किया जाता है, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से जो है वो ज़िक्र किया जाता है। तो इसको नज़्म की इस किस्म को मरसिया कहा जाता है। उसके बाद है गज़ल। गज़ल के लुग़वी मायने होते हैं महबूब से बातें करना। गज़ल में शायर जो है वो इश्क और मोहब्बत की भी बातें होती हैं, यानी इश्क मजाजी और इश्क हकीकी भी होता है, यानी कि इश्क हकीकी अल्लाह ताला से इश्क, तो इनका जो है वो मजमूआ होता है। यहाँ पर मैं आपको नज़्म और गज़ल का फ़र्क समझाना चाहूँगी कि नज़्म भी जो है वो अशार का मजमूआ है, गज़ल भी अशार का मजमूआ है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये फ़र्क आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। नज़्म किसी एक टॉपिक पर, किसी एक मौजू पर अशार उसके सारे होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आपकी जो है वो दरसी किताब में है बरसात की बहारें नज़्म, तो उसके तमाम अशार बरसात के मौजू पर ही हैं, यानी टॉपिक एक ही होता है और उसी पर तमाम अशार जो है वो होते हैं, तो वो नज़्म कहलाती है। जबकि गज़ल में इसके बरअक्स होता है, गज़ल में ऐसा नहीं होता। गज़ल का हर शेर एक अलग टॉपिक पर होता है, एक अलग मौजू पर होता है, यानी कि गज़ल का एक शेर एक मुकम्मल अपने एक इकाई होता है, एक अलग टॉपिक पर होता है। अगर शायर एक शेर में जो है वो इश्क मजाजी की बात कर रहा है, इश्क मोहब्बत की बात कर रहा है, अपने महबूब का ज़िक्र कर रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि अगले शेर में वो इश्क हकीकी बयान करे, अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का बयान ज़िक्र करे, अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ का बयान करे। तो गज़ल में हर शेर एक अलग
मौजू पर होता है। ये नज़्म और गज़ल का फ़र्क है जो कि आपको जो है वो उसको ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये असनाफ़ नज़्म यानि नज़्म की मुख्तलिफ किस्में बलिहाज़े मौजू यानि टॉपिक के लिहाज से टॉपिक वाइज ये थी। अब हम जो है वो देखेंगे असनाफ़ नज़्म बलिहाज़े हैयत। असनाफ़ मैंने आपको बताया किस्मों को कहते हैं, किस नज़म की कौन कौन सी किस्में बलिहाज़े हैयत। हैयत कहते हैं फॉर्म को, नज़म की खारजी सूरत क्या है यानी वो नज़म किस पैराए में लिखी गई है, किस फॉर्म में लिखी गई है। मिसाल के तौर पर आपकी जो नज़म है बरसात की बहारें, उसकी हैयत है मुखम्मस यानी वो मुखम्मस फॉर्म में लिखी गई है। यानी जब किसी नज़म में उसके बंद पांच हों तो वो मुखम्मस कहलाती है। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी कि बंद के नज़म के जो बंद हैं वो कितने अशार पर मुश्तमिल हैं, यानी कि उस नज़म की हैयत क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, ये जो है वो हैयत कहलाता है। तो सबसे पहले है हायको, इसका दूसरा नाम है मुसलस, यानी नज़्म की वो किस्म जो सिर्फ़ तीन अशार पर मुश्तमिल होती है। और ये मुसलस लफ्ज़ जो है ये सलासा से बना है, अरबी गिनती में सलासा तीन को कहते हैं, तो उससे जो है वो मुसलस ये लफ्ज़ बना है। तो नज़्म की वो किस्म जिसके अशार तीन अशार पर मुश्तमिल हो वो हायको या मुसलस कहलाती है। उसके बाद है रुबाई। रुबाई लफ्ज़ रबा से बना है और अरबी में रबा चार को कहते हैं, इसी से लफ्ज़ ये मुरब्बा भी बना, यानी इसका दूसरा नाम मुरब्बा भी है। दूसरा नाम मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर आप जो है वो इसको किसी और नाम से कहीं और पढ़ें तो फिर आपको कोई जो है वो ज़हनी उलझन का शिकार ना हो। रुबाई में चार अशार होते हैं, चार अशार पर मुश्तमिल जो है वो नज़्म, और इसका एक मुकम्मल मौजू होता है, मुकम्मल टॉपिक होता है जो कि चार अशार में मुकम्मल कर दिया जाता है, तो वो जो है वो रुबाई कहलाती है हैयत के लिहाज से। इसको आपने जहन में रखना है, MCQs में इस तरह के सवालात आते हैं, और जो अमूमन स्टूडेंट जो है वो 20 नंबर के MCQs होते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था 20 नंबर के, उसमें से अमूमन जो हम कॉपीज़ चेक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 16, बहुत हुए तो 17। असल में जो तीन चार सवालात हैयत के लिहाज से होते हैं, असनाफ़ अदब के लिहाज से होते हैं, उनके जवाब देना तुलबा तालिबात के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने आपको ये मुफस्सिल लेक्चर उर्दू अदब पर और उर्दू असनाफ़ अदब पर दिया है ताकि आप एक एक चीज़ को गौर से जो है वो इसको सुन लें, इसको समझ लें कि ये जो है वो हैयत किसको कहते हैं, नज़म की मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं। इसका मकसद ये है कि MCQs में आप पूरे 20 के 20 नंबर ले लें, कोई भी ऐसा MCQs ना हो जो आपको जो है वो मुश्किल लगे। उसके बाद है मुखम्मस। मुखम्मस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि खम्स से बना है और अरबी गिनती में खम्स पाँच को कहते हैं। अगर आप इसका अरबी गिनती के लिहाज से आप देख लेंगे तो ये आपको जो है वो इनके नाम याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो खम्स मुखम्मस का के लफ्ज़ी माने होते हैं पाँच, पाँच वाली, और इस्तिलाह में इससे मुराद ऐसी नज़म जिसका हर बंद पांच अशार पर मुश्तमिल हो। तो बरसात की बहारें आपकी जो नज़म है वो हैयत के लिहाज से मुखम्मस है, यानी उसका हर बंद पांच अशार पर मबनी है। उसके बाद है मुसद्दस। नज़म की असनाफ़ नज़म बलिहाज़े हैयत में मुसद्दस सबसे ज़्यादा मकबूल है। आपकी जो दर्सी किताब में नज़म है तालीमात नबवी, वो जो है तालीमात नबवी हैयत के लिहाज से मुसद्दस है। उसका हर बंद का हर बंद के हर अशार जो है वो हर बंद जो है वो छः अशार पर जो है वो मबनी है, यानी ऐसी नज़म जिसके छः अशार हों वो जो है वो मुसद्दस कहलाती है। ये लफ्ज़ जो है वो सदस से बना है और अरबी गिनती में सदस कहते हैं छः को। उसके बाद है मुसब्बा। मुसब्बा सात, ऐसी नज़म जिसमें जो है वो हर बंद में सात अशार हों। उसके बाद है मुसम्मन। समन अरबी ज़बान में आठ को कहते हैं। मुसम्मन ऐसी नज़म जिसमें जो है वो आठ अशार। तो ये हमारी जो है वो असनाफ़ नज़म बलिहाज़े मौजू और असनाफ़ नज़म बलिहाज़े हैयत भी जो है वो मुकम्मल हुआ। अब आपको मैं जो है वो एक छोटा सा तफवीज़ कार यानी कि एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको जो है वो दूंगी कि अपनी दर्सी किताब खोलिए,
उसमें जो है फहरिस्त निकालिए, पहला सफ़ा इंडेक्स को देखिए, तब आपको, अब आप जब जो है वो ये असनाफ़े अदब को समझने के बाद अब आप अपनी फहरिस्त को देखेंगे दर्सी किताब की, तो आपकी समझ में वो तमाम जो है वो हिस्सा नसर के तमाम जो है वो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, हिस्सा नज़्म में भी आपकी समझ में आ जाएंगी कि आपकी किताब जो है वो मज़मून से शुरू हो रही है, फिर उसमें जो है वो खतूत भी हैं, सफ़रनामे भी हैं, तंज़ो मज़ा भी है, और ये आपकी जो है वो आसानी से जो है वो आपकी समझ में आ जाएंगे। तो आज का ये लेक्चर नंबर 3 यहीं तक, अगले लेक्चर में किसी नए मौजू के साथ जो है हाज़िर होंगे, बाकायदा किताब का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।